अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट मेडिकल चैनल। आज हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पैथोलॉजी का एक आखिरी स्टमक पैथोलॉजी का आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर जैसा अपने नाम से भी जाहिर है कि ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का एक ट्यूमर है जो कि स्ट्रोमा में होता है। ये मोस्टली पहले ख्याल किया जाता था कि ये जो है ना स्ट्रोमा में होता है, यही नहीं थ्रोट जीआईटी होता है, स्टमक में भी होता है, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये स्टमक में होता है। स्टमक में जो हमें पता है कि जितने भी जीआईटी है अगर हम उसके लेयर को देखें तो पहले हमारे पास एसरा म्यूकोजा होता है, एपिथेलियम होता है, फिर यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू होता है, फिर मस्कुलरस स्मॉल मस्कुलरस प्राप्रिया मस्कुलरस लेयर होता है, फिर उसके बाद मस्कुलरस प्राप्रिया एसरा लेयर होते हैं। तो जो गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर है ये बेसिकली मस्कुलेरस प्रॉपरिया में यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल होते हैं जिनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कजाल। इन सेल में प्रोलिफरेशन हो जाता है, वो एबनॉर्मली प्रोलिफरेट हो जाते हैं, माइटासिस होती है। तो जब वो एबनॉर्मली अनकंट्रोल माइटासिस करते हैं तो उसके नतीजे में जो ट्यूमर बनता है उसको बोलते हैं गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर। इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कजाल ये बुनियादी तौर पर मेजनकाइमल सेल है। मेजनकाइमल सेल का मतलब ये है कि वो सेल जो कि किसी भी टाइप ऑफ सेल को बना सकते हैं। तो इसलिए इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कजाल जब वो एबनॉर्मली प्रोलिफरेट होते हैं तो वो एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर वो स्मूथ मसल बना सकते हैं, उस केस में हम पेरिस को कहते हैं लियोमायोमा। इसके अलावा ये जो नेल बेड होता है उसमें जो ग्लोमस बॉडी होती है उसको भी बना सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं ग्लोमस ट्यूमर। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, इस वजह से पैरों इसको हम डिफरेंट नाम देते हैं। तो गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्ट्रोमर का हमें ये मतलब है कि जो गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में या मोस्टली स्टमक में जो इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कजाल होते हैं जिसको हम पेसमेकर ऑफ गेस्ट्रिक गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक पेरिस्टेलिसिस भी बोलते हैं, यानी ये पेरिस्टेलिसिस को कंट्रोल करते हैं, उसके पेस मेकर सेल है। तो उनमें जब एबनॉर्मल प्रोलिफरेट होते हैं तो उसके नतीजे में जो ट्यूमर बनता है उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर। ये इंटरस्टिशियल सेल ऑफ कजाल कहाँ पर होते हैं, हमें पता है कि जीआईटी में एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम। तो एंटेरिक नर्वस सिस्टम हमारे साथ दो तरह का होता है, एक होता है मेसनर प्लेक्सस और एक होता है माइंटेरिक प्लेक्सस। तो जो मसल में होता है मस्कुलर लेयर में यहाँ पर जो माइंटेरिक प्लेक्सस होता है उनमें जो सेल होते हैं उनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कजाल। सबसे पहले जो ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम है वो इस इंटरस्टिशियल सेल ऑफ कजाल को स्टिमुलेट करते हैं और फिर ये इंटरस्टिशियल सेल ऑफ कजाल पर जो यहाँ पर माइंटेरिक नर्व सिस्टम है उसको स्टिमुलेट करते हैं और फिर वो पेरिस्टेलिसिस को कंट्रोल करते हैं। तो जब भी ऐसी इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कजाल किसी की भी वजह से उनमें एबनॉर्मल माइटासिस हो जाए, अनकंट्रोल माइटासिस, तो जो वो प्रोलिफरेट कर जाते हैं तो जो ट्यूमर बनता है उसको बोलते हैं गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर। अच्छा, ये तो डिफिनेशन हो गया कि ये बेसिकली मेजनकाइमल मोस्ट कॉमन मेजनकाइमल ट्यूमर है स्टमक में जो कि इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कजाल में जब वो एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होती है उसके नतीजे में बनता है। एक ट्रायड है जो फीमेल में नॉन हेरिडेटरी कंडीशन है फीमेल में होता है जिसमें ये तीन डिजीज़ एक साथ होते हैं, उसमें गैस्ट्रिक गीस्ट हो गया, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर, इसके अलावा पैराग्लियोमा और पल्मोनरी कॉन्ड्रोमा। इसको कॉर्नेट्रायड बोलते हैं, कॉर्नेट्रायड में ये गीस्ट होता है, पैराग्लियोमा और पल्मोनरी कॉन्ड्रोमा। तो ये तीनों चीज़ें कॉर्नेट्रायड में होते हैं। अब हम इसके एसोसिएशन की तरफ आते हैं कि ये किन किन डिजीज़ कंडीशन के साथ एसोसिएटेड है। तो एक स्टडी की गई, एक रिसर्च किया गया जिसमें यह बताया गया कि जो न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप वन है ये मोस्टली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप वन के साथ एसोसिएटेड है और उसके साथ साथ ये मोस्ट कॉमनली मेल में ज़्यादा होते और मेल जो चिल्ड्रन है मेल में
वो मोस्ट कॉमनली उनमें होते हैं। तो ये एसोसिएशन हो गया। इसके पैथोजेनेसिस को अगर हम देखें तो इसका जो पैथोजेनेसिस है यानी ये किस तरह काज होता है, तो सबसे पहले हमें ये दिमाग में रखना चाहिए कि जो इंटरस्टिशियल सेल्स आपके जाल है वो जब भी एबनॉर्मली प्रोलीफरेट करेंगे तो उसके नतीजे में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्यूमर बनेगा, स्ट्रोमल ट्यूमर बनेगा। लेकिन सवाल ये बनता है कि वो क्यों प्रोलीफरेट होते हैं अनकंट्रोल्ड, तो कोई तो होगा, कोई म्यूटेशन होगा। वो म्यूटेशन तीन तरह के म्यूटेशन होते हैं। सबसे पहले जो है एक जीन है जिसमें गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन आता है, उसको बोलते हैं सीकीट। दूसरा है प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर ए, और तीसरा है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। जो कीट जीन है ये बेसिकली टायरोसिन काइनेज का जो रिसेप्टर है उसको इनकोड करता है। हमें पता है कि जब हमने सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे फिजियोलॉजी में पढ़े थे उनमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नलिंग पाथवेज पढ़े थे। हमने पढ़ा था कि यह फर्ज करें मेम्ब्रेन है तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नलिंग प्रोटीन होते हैं इस तरह, तो ये जब उनके साथ सिग्नलिंग प्रोटीन के साथ अपना लाइगेंड अटैच होता है तो अंदर मेम्ब्रेन के अंदर सेल में डिफरेंट सिग्नलिंग पाथवे होते हैं, उसके नतीजे में फिर सेल एक्टिवेट होता है। तो इसी तरह जब यह टायरोसिन काइनेज ज़्यादा जब इसमें म्यूटेशन आएगा तो टायरोसिन काइनेज ये ज़्यादा होगा, तो जब ये टायरोसिन काइनेज जो है ना ये ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, तो जब ये ज़्यादा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा तो उसके नतीजे में पैर सेल एबनॉर्मली प्रोलीफरेट होंगे और उसके नतीजे में पैर ट्यूमर बनेगा। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये सीकिट म्यूटेशन हो गया। ये फीमेलियल भी हो सकता है और स्पोरेडिक भी हो सकता है, यानी फैमिली में भी चला आ रहा होता है या पैर एक्वायर्ड भी थ्रू आउट लाइफ हो सकता है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है ये 95% केसेज में इसमें म्यूटेशन आता है। प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर ए इसमें भी म्यूटेशन आ सकता है और इसके म्यूटेशन के नतीजे में भी पैर जो इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ के जाल है वो एबनॉर्मली प्रोलीफरेट होते हैं, तो 90% केसेज में भी प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर ए में म्यूटेशन आता है। बास केसेज में लेकिन बहुत कम केसेज में एक और फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। इसको जो जीन इनकोड करता है उनमें जब म्यूटेशन आता है तो उसके नतीजे में भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर होता है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज ये माइटोकांड्रियल एंजाइम है। माइटोकांड्रिया में हमने डिफरेंट एंजाइम्स को पढ़ा था, तो माइटोकांड्रियल एंजाइम है और ये जो है ना ये जो हमारे पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वगैरह माइटोकांड्रिया में जितने रिएक्शन होते हैं ये उनको कंट्रोल करता है। तो जब ये इसके म्यूटेशन आएगा इसके जीन में तो क्या होगा कि हमारे पास चूंकि माइटोकांड्रिया में तो डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की डिस्ट्रक्शन होती है या ऑक्सीजन जो है ना वो डिफरेंट ऑक्सीडेटिव प्रोसेसेस होते हैं, तो उसके नतीजे में फिर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज ज़्यादा बढ़ेंगे और उसके साथ साथ हाइपॉक्सिया होगा और उसके साथ साथ जो एनर्जी जेन प्रोसेसेस से डिराइव होती है वो ऑक्सीडेटिव से नॉन एरोबिक की तरफ चले जाएंगे और ग्लाइकोलाइसिस पर जो डिपेंडेंस है वो ज़्यादा हो जाएगा, यानी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बढ़ेंगे, ऑक्सीजन की कमी आएगी और ग्लाइकोलाइसिस पर डिपेंडेंस ज़्यादा होगा। लेकिन सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का जो ताल्लुक है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर के साथ, तो बाज़ लोग कहते हैं कि ये जो है ना हाइपॉक्सिया इंड्यूसेबल फैक्टर को इंक्रीज करता है, तो उसके नतीजे में पैरों ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर ये होता है। तो ये मेन पैथोजेनेसिस में ये तीन जीन हो गए, सी कीटो जो कि टायरोसिन काइनेज को इनकोड करता है, तो उसके नतीजे में जब म्यूटेशन आता है तो बढ़ जाता है और पैरों एबनॉर्मली सेल को स्टिमुलेट करते हैं बार बार और सेल प्रोलीफरेट होते हैं। इसके अलावा प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ये ग्रोथ फैक्टर है ये भी सेल के ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, तो सेल बार बार एबनॉर्मल माइटासिस करते हैं। इसके अलावा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज ये भी एक फैक्टर है। अगर हम इसके मॉर्फोलॉजी को देखें तो जब हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर में जब हम उसकी इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ के जाल की मॉर्फोलॉजी को देखते हैं तो हम दो टाइप ऑफ मॉर्फोलॉजी देखते हैं। एक होता है ग्रास मॉर्फोलॉजी, एक होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल ग्रास मॉर्फोलॉजी, और एक होती है माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी। ग्रास मॉर्फोलॉजी में अगर हम देखते हैं तो हमें सब म्यूकोजा में, यानी फर्ज करिए सब म्यूकोजा हो गया, वहाँ पर हमें एक वेल सर्कमस्क्राइब्ड सोलिटरी मास मिलता है। इस तरह सब म्यूकोजल सोलिटरी वेल सर्कमस्क्राइब्ड मास मिलता है, फ्लेशी मास, यानी फ्लेशी मास होता है, फ्लेशी मास
जो कि प्रॉपर उसकी वेल सरकमस्क्राइब, ये सर बिनाइन ट्यूमर होता है, उसी तरह इसकी प्रॉपर सरकमस्क्राइब होता है और एक सॉलिटरी मास होता है। अगर हम इसके माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी को देखें तो हमें दो टाइप की मॉर्फोलॉजी मिलते हैं। एक होता है एपिथेलियल, जिसमें सेल जो है ना एक दूसरे के साथ कोहेसिव सर अटैच होते हैं, एपिथेलियल मॉर्फोलॉजी, और एक होता है स्पिंडल मॉर्फोलॉजी, स्पिंडल जो सेल ना इस तरह उसकी मॉर्फोलॉजी हमें मिलती है। तो ये दो टाइप ऑफ मॉर्फोलॉजी हमें मिलते हैं। अब सवाल पैदा ये होता है कि हम इसको किस तरह डायग्नोस करेंगे। तो डायग्नोसिस के लिए हम एक डायग्नोस्टिक मार्कर होता है हर ट्यूमर का, तो इस ट्यूमर का जो इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक मार्कर है जिसको हम इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टडी के थ्रू स्टडी कर सकते हैं, वो है किट। किट जो है ना ये ब्लड में हम इसको स्टडी कर सकते हैं इम्यूनोहिस्टोकेमिक केमिस्ट्री के थ्रू, और 95% केसेस में ये जो है ना डिटेक्टेबल होता है इन केस ऑफ गीस्ट। जबकि इसके लिए हम सीटी स्कैन भी कर सकते हैं और पेट स्कैन भी कर सकते हैं। इसके अगर हम प्रोग्नोसिस को देखें तो ये डिजीज़ जो है ना 40 to 70 ईयर ऑफ एज यानी लेट एज में शुरू होता है और ये मेल में ज़्यादा होता है। इसके जो प्रोग्नोसिस है वो तीन फैक्टर पर डिपेंड करता है। सबसे पहले है मेटास्टेसिस, दूसरा है माइटोटिक इंडेक्स और तीसरा है ट्यूमर साइज। यानी अगर कोई ट्यूमर है वो ज़्यादा मेटास्टेसाइज होगा तो फिर उसकी प्रोग्नोसिस वर्स होगी, अगर उसमें मेटास्टेटिक पोटेंशियल कम होगा तो उसकी प्रोग्नोसिस बेटर होगी। मेटास्टेसिस पर डिपेंड करता है साइज ऑफ द ट्यूमर, अगर लेस देन 5 सेंटीमीटर ट्यूमर है तो उसमें रेयर मेटास्टेसिस के चांसेस होते हैं, अगर मोर देन 10 सेंटीमीटर है तो पेरो मेटास्टेसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो पेरो वर्स प्रोग्नोसिस रखता है। इस तरह माइटोटिक इंडेक्स, अगर उसका माइटोटिक इंडेक्स मतलब वो जो अनकंट्रोल माइटासिस होते हैं अगर वो ज़्यादा है तो उसका मतलब है कि वो एग्रेसिव ट्यूमर है, अगर वो कम है तो उसका मतलब है कि वो लेस एग्रेसिव ट्यूमर है। इसी तरह ट्यूमर साइज का भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब फिर सवाल पैदा ये होता है कि हम इसको किस तरह ट्रीट करेंगे। तो ट्रीटमेंट के लिए हर डिजीज़ को ट्रीटमेंट के लिए या तो फिर हम सर्जिकल ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं और या फिर मेडिकल। सर्जिकल ऑपरेशन में जो गीस्ट ट्यूमर जो कि सब म्यूकोजा में एक सरकमस्क्राइब मास बनाता है तो उसको हम रिसेक्ट करते हैं सर्जिकली। तो सर्जिकली अगर हम उसको रिसेक्ट करें तो यह डिफिनेटली ट्रीटमेंट है। इसके अलावा इसको हम मेडिकली भी ट्रीट कर सकते हैं, यानी यह पर चूँकि हमने पढ़ा था कि किट में म्यूटेशन आता है तो ये चूँकि टायरोसिन काइनेज को इनकोड करता है, तो अगर हम टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर ड्रग दे दें TKI जिसको हम बोलते हैं तो उसके थ्रू भी हम इसको इसके डिफरेंट सिम्टम को ट्रीट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इमेटिनब जो है ना ये एक टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर है, इसको अगर हम दे दें तो फिर इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कंडीशन है जिसमें जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक माइलाइड ल्यूकेमिया। क्रॉनिक माइलाइड ल्यूकेमिया ये एक माइलोजिनस जो सीरीज़ है माइलाइड सीरीज़, वहाँ पर उसकी ल्यूकेमिया यानी कैंसर होता है वहाँ पर क्रॉनिक, तो उसमें ये हमने WC के पैथोलॉजी में पढ़ा था क्रॉनिक माइलाइड ल्यूकेमिया। तो उसमें यह होता है कि जो जब हम जीस्ट को ट्रीट करते हैं तो वह पर रेजिस्टेंट आता है और ये जो टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर है ये काम नहीं करते, तो फिर उसके लिए हम इस तरह टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर इस्तेमाल करते कि जो वो उसमें भी काम करे, यानी क्रॉनिक माइलाइड ल्यूकेमिया में जो रेजिस्टेंट आता है उनको भी ट्रीट करें। आखिर में जो इसके क्लिनिकल फीचर है वो दो तरह के होते हैं, या तो मास इफेक्ट की वजह से डिफरेंट क्लिनिकल फीचर पैदा करते और या फिर म्यूकोजल अल्सरेशन की वजह से वो डिफरेंट क्लिनिकल फीचर पैदा करते हैं। मास इफेक्ट का मतलब ये है कि चूंकि ये एक सॉलिटरी मास बनाता है तो उसकी वजह से फिर ये इंटस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कास कर सकता है, इंटस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कास कर सकता है। इसके अलावा अदर डिफरेंट सिम्टम मिसाल के तौर पर डिस्फेगिया वगैरह कास कर सकता है, वोमिटिंग नाजिया वो इस वजह से कास हो सकते हैं, और डिफरेंट अदर सिम्टम जो कि म्यूकोजल अल्सरेशन की वजह से कास होते हैं उनमें हमारे पास जो ब्लीडिंग है सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना वो ब्लीडिंग है, और फिर ब्लीडिंग की वजह से फिर ब्लड लॉस एनीमिया होता है। तो डिफरेंट बाज नॉन स्पेसिफिक सिम्टम होते हैं और बाज मास इफेक्ट की वजह से होते हैं और बाज म्यूकोजल अल्सरेशन की वजह से होते हैं। मिसाल के तौर पर नाजिया वोमिटिंग वगैरह डिस्फेगिया ये नॉन स्पेसिफिक हो गई, इसके साथ साथ मास इफेक्ट की वजह से फिर इंटस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन और म्यूकोजल अल्सरेशन की वजह से ब्लीडिंग और एनीमिया। तो ये सारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर के बारे में के पैथोलॉजी के बारे में डिटेल हो गया।